हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शाहरुख और आप देख रहे हो बर्ड स्प्रीडिंग। दोस्तों, मेरे यूट्यूब पूरी फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन, रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और भाई बहन का जो रिश्ता है वो आप सभी जानते होंगे, चाहे किसी भी धर्म में हो, वो एक बहुत ही बड़ा रिश्ता होता है। और आज के दिन हमारे हिंदू भाई लोग इस त्यौहार को बहुत ही अच्छे से मनाते हैं और उनके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके लिए दोस्तों आज की वीडियो में अपनी बर्ड्स से थोड़ा सा रिलेटेड, मेरा मेन टॉपिक तो यही आपको रक्षाबंधन विश करना था, बट आज जो है मैं बर्ड्स की भी अपडेट दे दूंगा आपको कि मेरे पास जो लव बर्ड्स हैं उनमें भी मैंने कुछ पेयर्स में बॉक्स और हैंग करे हैं, और वो किन किन में पेयर में हैंग करे हैं और कौन कौन सी पेयरिंग है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। और कुछ पेयरों में मैंने हैंग नहीं किए हैं, उसका रीज़न ये है कि उनकी एज अभी कम्प्लीट नहीं हुई है, बट इंशाल्लाह वो अक्टूबर से नवंबर या दिसंबर में उनसे मैं ब्रीड लूँगा। तो चलिए मैं इधर से ही स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला पेयर जो ऊपर पड़ा हुआ है ये क्रिमिनो ऑफलाइन वर्किंग का पेयर है। हालांकि ये पेयर एक भाई ने बुक किया है, अब जैसे ही इसकी पेमेंट वगैरह कन्फर्म हो जाएगी तो ये पेयर चला जाएगा। बाकी आप क्वालिटी देख के बता सकते हैं कि ये पेयर आपको कैसा लगा। इसमें पैस्टल ऑफलाइन का मेल है, पॉसिबल स्प्लिट इनो, और फीमेल जो है इसमें क्रिमिनो फिशरी की है, जबरदस्त फूड मार्किंग के साथ। तो क्योंकि आप भी देख रहे हैं अभी मार्केट में क्रिमिनो ऑफलाइन की हाइप बनी हुई है, जैसे कि अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में क्रिमिनो ऑफलाइन की डिमांड एकदम हाई हो गई, तो उसी को देखा देखी में हमारे इंडिया में भी क्रिमिनो ऑफलाइन की डिमांड बढ़ गई है और उसकी फ्यूचर प्लानिंग की तरफ भी लोग उसको देखने लगे हैं। तो ये पेयर एक भाई ने बुक किया है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी चला जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पर जो पेयर है मेरा पेल फेलो का है, जिसमें ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो की फीमेल है और डार्क ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल है। ये पेयर की एज तकरीबन 18 महीना प्लस हो गई है और इंशाल्लाह इस सीजन ये ब्रीड करेगा। बॉक्स हमने दे दिया इनको और बॉक्स में नेस्टिंग वगैरह आपको दिखाता हूँ, मैंने इतनी नेस्टिंग इनको कर दी है। और साइड से जाने के लिए भी इनका ये आप देख सकते हैं अच्छे से बिल्कुल कटेंगे, आराम से ये अपने बॉक्स में जाएंगे। उसके बाद जो मैंने अपने पेयर में बॉक्स लगाया है वो यहाँ पर है, वॉयलेट ग्रीन पेल फेलो फिशर का मेल है और टर्कोइज पार्ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल है। ये मेरा ब्रीडर पेयर है, लास्ट सीजन भी इसने बहुत ज़बरदस्त ब्रीड करी थी, इसको भी हमने बॉक्स दे दिया है। और इसके बाद यहाँ पर दो जो है यंग पेयर हैं, इनकी एज करीब 10 से 11 महीना हो गई है, तो इनको हम इंशाल्लाह दिसंबर तक बॉक्स जाएंगे, तो सीजन में एक या दो किलो जिनसे भी ले लेंगे। इसमें वॉयलेट पार्ब्लू फिशर पेल फेलो की फीमेल है और ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल है। इसके बाद यहाँ पर जो मेरा पेयर है बहुत ही खूबसूरत पेयर है, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन पेल फेलो का मेल है और वॉयलेट पार्ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल है। तो ये भी सेम वही 10 से 11 महीने का पेयर है, इसको भी हम रेस्ट पे डाले हैं। और यहाँ पर मेरे दो पेल फेलो के हमने पेयर डाल रखे हैं, जिसमें स्प्लिट टू विजुअल है। ये पेयर मैं सेल करूँगा, अगर किसी भाई को चाहिए होगा तो ये मिल जाएगा, विद डीएनए है और इनकी भी एज करीब 10 महीने के करीब होगी इनकी एज। और उसके बाद इधर पे मेरे दो एल्बिनो और ब्लू टैग के पेयर हैं, ये आप देख सकते हैं, और ये भी मेरा ब्रीडर पेयर है, लास्ट सीजन जबरदस्त इसने ब्रीड करी थी और साइज वगैरह काफी अच्छा है इनका, इसमें भी बॉक्स हमने दे दिया है। और उसके बाद एक इधर पेयर है, ये वाला पेयर दोस्तों मेरा ब्लू टू है, ये क्रिमिनो और पार्ब्लू टैग स्प्लिटिनो यही निकालता है, इसको भी हमने बॉक्स दे दिया है। और नीचे एक पेयर हमने इस सीजन लगाया है जिसमें माउथ पेल फेलो फिशरी फीमेल है, इससे डबल फैक्टर वॉयलेट पार्ब्लू ऑफलाइन का हमने मेल दिया है, ये बॉन्डेड पेयर हो जाए तो इसकी भी एज कंप्लीट है, इसको भी हम बॉक्स वगैरह दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक मेरा क्रिमिनो ऑफलाइन का पेयर है, क्रिमिनो ऑफलाइन का मेल है, तकरीबन 9 से 10 महीने का इसकी एज है मेल की, और फीमेल तो करीब 1.5 साल की होगी, 18 महीने प्लस, लेकिन ये भी बॉन्डेड पेयर अभी नहीं हुआ है, बॉन्डेड हो जाएगा तो इसको भी हम दिसंबर तक ब्रीड पे लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर मेरा ब्रीडर पेयर है जिसमें क्रिमिनो की फीमेल है और पार्ब्लू टैग स्प्लिटिनो का मेल है, ये भी मेरा ब्रीडर पेयर है इसलिए इसको बॉक्स हमने आज दे दिया है। और यहाँ पर एक हमने न्यू पेयर बनाया है जिसमें पार्ब्लू टैग स्प्लिटिनो की फीमेल है और क्रिमिनो का मेल है, आप क्वालिटी देख सकते हैं माशाल्लाह दोनों की क्वालिटी ज़बरदस्त है, तो इसका भी अभी बॉन्डेड पेयर नहीं है, हालांकि इसकी एज कंप्लीट है, ये जैसे ही बॉन्डेड होगा इसको भी हम बॉक्स वगैरह दे देंगे।
बाकी यहाँ पर मेरे जो पार्वलू अपलाइन वॉयलेट अपलाइन के 6 पेयर हमने लगाए हैं, ये आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ बाहर बैठे। बाकी ये 2 पेयर अभी एज इनकी कंप्लीट नहीं हुई है, 10-10 महीने के ये पेयर हैं, इंशाल्लाह इनको हम अक्टूबर तक बॉक्स दे देंगे। बाकी मेरे 4 पेयर में हमने बॉक्स लगा दिए हैं जो कि मेरे ब्रीडर पेयर हैं। तो लवबर्ड्स में टोटल इंशाल्लाह इस सीजन हम 18 पेयर से करीब ब्रीड लेंगे, 18 पेयर की मेरे पास जगह है, और जैसा भी रिजल्ट मिलेगा आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा। फिर से मैं एक बार आप लोगों के लिए, जो भी मेरे यूट्यूबर में फैमिली है मेंबर्स, उनके लिए फिर से मैं हैप्पी रक्षाबंधन, और अच्छे से आप इस त्यौहार को मनाएं, और दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह जैसी जैसी प्रोग्रेस आएगी आप लोग के साथ मैं शेयर करते रहेंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद आपको मज़ा आएगा वीडियो में। मज़ा आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।